Hey everyone, welcome back to my Crop Talk. You're on YouTube channel. I'm Manshi. Once again with you. और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ ब्रिक ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद गुरुग्राम एक्सप्रेसवे फरीदाबाद में ये सिचुएटेड है. इन्होंने एक वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है रिगार्डिंग सीनियर रिसर्च फेलो. सो उसी का डिटेल आज आप लोगों के साथ यहाँ पर मैं शेयर करने वाली हूँ. सबसे पहले तो एक प्रोजेक्ट है जिसमें SRF की पोस्ट है. इसके जो प्रोजेक्ट इंचार्ज हैं वो डॉक्टर स्वीटी समल. सो प्रोजेक्ट है डेवलपमेंट ऑफ हाईली इन्फेक्शियस BSL-4 वायरल एजेंट स्यूडो वायरसेस एंड इट्स एप्लीकेबिलिटी टू फैसिलिटेट रिसर्च ऑफ हाई पैथोजेनिक एंड इमर्जिंग जोनोटिक वायरसेस. अब सीनियर रिसर्च फेलो की पोस्ट है, ये वन पोस्ट है. अपर लिमिट्स के लिए कितनी है 35 ईयर्स है. मैक्सिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इन लाइफ साइंस या फिर इक्विवेलेंट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से विद 2 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड. नेक्स्ट अगर बात करें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन क्लोनिंग प्रोटीन एक्सप्रेशन एंड प्योरिफिकेशन इस सेल एक्सप्रेशन इन सेल बेस्ड एसे एंड हैंडलिंग ऑफ फ्लो साइटोमेट्री एंड वर्किंग एक्सपीरियंस इन सेल कल्चर प्रोपिगेशन ऑफ लाइव वायरसेस एंड वायरस क्वांटिफिकेशन एट्सेट्रा. मंथली अमाउंट इसके लिए 42,000 दिया जाएगा प्लस HRA यानी कि हाउस रेंटल अलाउंस. लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव करने की वो 31 जुलाई है. ठीक है, अब बात करेंगे फर्दर इंस्ट्रक्शंस इन्होंने यहाँ पर दिए. आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि कुछ फैसिलिटीज़ इन्होंने इसमें बताई हैं. अब बात आता है कि कैसे अप्लाई करना है. तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, एक तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे. कैसे भरे जाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी. उनके पास क्या क्या होना चाहिए, एक तो सॉफ्ट कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एंड सिग्नेचर होने चाहिए, चाहे JPG चाहे JPG चाहे PNG फॉर्मेट में हो. एक सॉफ्ट कॉपी ऑफ CV होनी चाहिए जिसमें डिटेल्स होनी चाहिए क्वालिफिकेशन की, पोजिशन हेल्ड, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड डिस्टिंक्शन एट्सेट्रा. ये सब मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी कि 10th की मार्कशीट, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट यानी कि 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन डिग्री मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री मार्कशीट, PhD और इक्विवेलेंट डिग्री सर्टिफिकेट और रिलेवेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट. इसलिए कास्ट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आप उस वाली कंडीशन में हैं तो आपको देना पड़ेगा जो कि प्रिस्क्राइब करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके अकॉर्डिंग. अब प्रोसेस और फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो सबसे पहले तो ऑनलाइन ही भरे जाने हैं. इनकी वेबसाइट पे www.thisti.res.in/career. अब स्टेप्स में बताती हूँ डिटेल. सबसे पहले आपको डिटेल फिल करनी है अपनी, देन अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, देन आपको फ़ी पेमेंट करना है. फ़ी कितनी है वो भी आपको यहाँ पर बताऊँगी मैं. जो फ़ी है आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI किसी के भी थ्रू दे सकते हैं. एक बार पेमेंट हो गई तो कोई भी करेक्शन या मॉडिफिकेशन नहीं किया जाएगा फॉर्म में. ठीक है, एक प्रोविजनल कॉपी आप अपने पास भी रख लें रिसिप्ट की फ्यूचर रेफरेंस के लिए. ठीक है, अगर एक बार आपने फ़ीस सबमिट कर दी है तो वो वापस नहीं आएगी किसी भी सरकमटेंसेज में. अब फ़ी की बात करते हैं कितनी है. तो यहाँ पर जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है OBC हैं और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी है 236 रुपीज़ एंड SC ST वीमेन कैंडिडेट एंड PWD कैंडिडेट के लिए है 118 रुपीज़. सो यस, यही था आज का नोटिफिकेशन. आई थिंक जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है. फ़ी सबमिट करने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी सबमिट कर देना है और बस फिर वेट करना है नेक्स्ट स्टेप का. सो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में. लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगी, आप वहाँ से जाकर के अप्लाई कर पाएंगे. सो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में. कीप वॉचिंग माइक्रोप टॉक एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस.